डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर बन सकता है, स्पेशली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो, द सॉफ्टवेयर इज अ कंप्राइजेज ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। सिंपली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। और जिसका पर्पस क्या है, कुछ आउटकम जो डिजायर्ड आउटकम है उसको हमें अचीव करना है। तो दो चीजें हम जनरली यूज करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज व्हाट काइंड ऑफ टेंजिबल थिंग, जैसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज बोल देते हैं जिनको, वो सारे टेंजिबल डिवाइसेज हैं। लेकिन इनटेंजिबल में हमारे पास क्या आता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर आते हैं। और कैटेगरी की बात करें तो मेनली आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेनली सबने सुना ही होगा। और इसका पर्पस पता क्या है, मेनली कि यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो यूजर आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स आ जाते हैं। जैसे हम लोग क्या है, यूजर्स हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, डिफरेंट यूजर्स हैं। और हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं हार्डवेयर को एक्सेस करने की, मतलब मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, उसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर जो डिफरेंट रिसोर्सेज है, मतलब आप कह सकते हो जैसे मेरे को हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, उसमें से कोई मूवी है या कोई गाना चलाना है, तो मेरे को एक तरह से हार्डवेयर को एक्सेस करना है। मुझे कुछ टाइप करना है, मतलब मेरा इनपुट से कुछ डेटा लेना है, मतलब कीबोर्ड से लेना है, वो चीजें सारी क्या है, हार्डवेयर। अब यहां पे होता है क्या है कि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो होता क्या है, एक तो प्रॉब्लम क्या आती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम है। और स्पेशली अगर हम बात करें कि मल्टी यूजर एनवायरमेंट है, तो एक बंदे ने हार्डवेयर के ऊपर अपना हक लेके बैठ गया, मतलब उसने एक्सेस कर लिया, दूसरा तो वेट ही करता रह जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यूजर डायरेक्टली एक्सेस ना करे। यूजर क्या ओपन करेगा, एप्लीकेशन को। यूजर क्या ओपन करेगा, किसी ना किसी एप्लीकेशन को ओपन करेगा। और उस एप्लीकेशन ने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने फाइनली फिर एक्सेस देना है कि यस यू कैन यूज दिस हार्डवेयर। चाहे मेमोरी की बात कर लो, सीपीयू की बात कर लो, हार्ड डिस्क की बात, ये सारे यहां पे आ जाते हैं। लेकिन उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपने देखा ही होगा अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे कि आप सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, क्या मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी को? नो, हम लोग किसी ना किसी एप्लीकेशन के। जैसे अगर मुझे कोई भी गाना चलाना है अपने सिस्टम में से या अपने लैपटॉप में से कोई गाना चलाना है, तो हम करते क्या है, हम लोग एक्चुअली कोई ना कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे मैंने किसी फाइल्स को ओपन किया, फाइल सिस्टम को यूज कर रहे हैं वहां पे, फाइल को ओपन करने के बाद मैंने उसमें से कोई प्ले किया, अब वीएलसी प्लेयर ओपन हो गया या विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन हो गया, तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन है। या मुझे कुछ फाइल बनानी है, मुझे एक्सेल फाइल बनानी है या मुझे डॉक फाइल बनानी है, पीपीटी बनानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसको ओपन किया, उसके अंदर मैंने जो है वो काम करना स्टार्ट किया। लेकिन वो एप्लीकेशन भी डायरेक्टली नहीं कर रही, वो किसको यूज करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह से मेन अथॉरिटी है, मैनेजर है, जिसने एक्चुअल में सारी की सारी चीजों को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यूजर, एप्लीकेशन को, फिर ऑपरेटिंग, और ये फिर जाके मेरे को एक्सेस मिलता है यूजर को कि यस यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये बेसिकली ये चीज हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हम वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने देखा होगा, उबंटू के बारे में सुना होगा, विंडोज के बारे में सुना होगा, लिनक्स के बारे में सुना होगा, ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जो है वो लिखे हुए हैं। कुछ एग्जांपल है, आपने बहुत सारे यूज भी किए होंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे यूज किए होंगे, ये तो एग्जांपल के तौर पे है, आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारे पास तीन कैटेगरी आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिसका काम है सिस्टम को चलाना, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, बस उसको चलाना है। यूजर क्या कर रहा है, ये वो सारी चीजें हम लोग जो है वो बात नहीं करते। यहाँ पे मेनली बात करते हैं कि सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करेगा, उसको चलने के लिए भी तो कोई ना कोई इंटरनली सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो वहां पे यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे मेन चीज है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसमें हम विंडोज की बात करते हैं, विंडोज 7 की बात कर लो, 10 की बात कर लो, या फिर लिनक्स की बात कर लो, या फिर अगर हम एंड्रॉयड की बात करें मोबाइल में, तो एंड्रॉयड की बात कर लो, iOS, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपके सिस्टम को मैनेज करते हैं। देन सिस्टम यूटिलिटीज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती हैं।
और इनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे मुझे सिस्टम को बूट करना है तो बूट के लिए मेरे पास यूटिलिटी, मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग की, डिस्क को कुछ फॉर्मेट करना है तो उसके लिए, वो सारी यूटिलिटीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती हैं। देन डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं साथ में, ठीक है। पहले तो हम जैसे, वो भी डिपेंड करता है विंडोज 7 में या उससे पहले, हम लोग क्या करते थे अलग से हमें जो है वो डिस्क में देते थे कि डिवाइस ड्राइवर्स अगर अलग से, आजकल तो हम ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेते हैं तो इसीलिए अलग से जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिवाइस ड्राइवर का यूज क्या है, कीबोर्ड लगाया चलेगा कैसे, उसको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत है। माउस लगाया डिवाइस ड्राइवर के थ्रू, पेन ड्राइव लगाई, कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाई तो ऑटोमेटिकली वहां से डिवाइस ड्राइवर के थ्रू चलता है, या प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट किया तो इसके लिए हमें जो है वो डिवाइस, जो मल्टीपल डिवाइसेस एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं उनको एक तरह से ड्राइव करना, मतलब उनको चलाने के लिए यूज होता है। देन प्रोग्रामिंग टूल, वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, ये सारी लैंग्वेजेस को हमने कहीं ना कहीं जो है वो यूज करते हैं डिफरेंट, आप कह सकते हो कि अलग अलग चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास ट्रांसलेटर्स भी आ जाते हैं, डेवलपमेंट टूल्स भी आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस या फिर कस्टमाइज। इसमें मैं आपको एक एक और पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया Ubuntu, Fedora, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है ना, मतलब लिनक्स के आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि लिनक्स इज अ ओपन सोर्स। इसमें सॉफ्टवेयर में भी कैटेगरी आती है, जैसे एक फ्री वेयर्स होते हैं, फ्री वेयर्स मतलब कि जिनको जैसे 10 डेज का ट्रायल दे दिया आपको, 10 दिनों का ट्रायल दे दिया, 10 दिन तक फ्री यूज करो उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा, वो होते हैं काइंड ऑफ फ्री वेयर्स। एक होते हैं ओपन सोर्स, मतलब वो पूरा थ्रू आउट क्या है, फ्री है, आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, अलाउड है। तो ओपन सोर्स में हमारे पास कौन सा आ जाता है, जैसे लिनक्स की बात करें तो उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे फेडोरा है, Ubuntu है, काली लिनक्स के बारे में आपने सुना होगा वो सारा। और अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज इज नॉट अ ओपन सोर्स, ठीक है ना, उसका जो सोर्स कोड है वो एक तरह से आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के पास ही, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये आ गया। देन सिस्टम यूटिलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताया, इसके एग्जांपल जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, सिस्टम को रीस्टोर यूटिलिटीज, ये सारी जो है जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी यूटिलिटीज सिस्टम को चलाने में हेल्प करती हैं, मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, कॉन्फिगर करने में हेल्प करती हैं, वो उसके साथ ही आती हैं। डिवाइस ड्राइवर ऑलरेडी आपको बता ही दिया। देन प्रोग्रामिंग टूल्स, तो प्रोग्रामिंग टूल्स में ऑब्वियसली ये सिंपली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि हम लोग जीरो एंड वंस में चीजें नहीं लिखते, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन तो 01 की भाषा समझ रही है, और हम 01 में लिखेंगे या असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी कमांड्स, और वो मशीन ओरिएंटेड भी बन जाता है। तो इसलिए हम जनरल पर्पस जाते हैं तो उसके लिए हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी, लेकिन वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमें करना पड़ता है कन्वर्ट इनटू लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो उसके लिए हम डिफरेंट ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं, असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर। इनमें मेनली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंपाइलर बड़ी चीज है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एक ही बार में। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, करता वो भी यही काम है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन करता है, ये एक बार में करता है। जैसे सी, सी प्लस प्लस कंपाइलर को यूज करते हैं, रूबी है, पाइथन है, पीएचपी, उसमें हम इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। देन अगर हम बात करें असेंबलर, तो असेंबलर में मेनली क्या आ जाता है कि ऑलरेडी आप एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज में ही काम कर रहे हो, असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हो, और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो असेंबलर जो है वो जनरली हम कम यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई पुराने टाइम में पहले लो लेवल लैंग्वेज पे लिखते थे, या जैसे आपने सुना होगा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट कमांड्स को यूज करते हैं, वहां पे एड, ईबीएक्स, मूव, उन कमांड्स को अगर हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने में असेंबलर जो है वो हेल्प करता है 01 की फॉर्म में। देन प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं डिफरेंट एडिटर्स। एडिटर्स क्या होते हैं, या तो हम जैसे विंडोज की बात करें तो विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्टली रन करते हैं कोई भी कमांड है, मेरे को वो रन करनी है, या लिनक्स की बात करें तो हम डायरेक्टली टर्मिनल पे लिखते हैं। लेकिन टर्मिनल के साथ साथ हमें डिफरेंट क्या मिलते हैं, IDEs भी मिलते हैं, डिफरेंट एडिटर्स भी मिलते हैं, जिन पे आप पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो लिख के एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे VI है, नैनो है, GEdit है, ये सारे एडिटर्स आते हैं जिन पे आप डायरेक्टली एक बार में कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरल पर्पस आ गए, कस्टमाइज, सिंपल सी बात है। जनरल पर्पस में मतलब जो लार्ज वॉल्यूम, लार्ज यूजर्स को जहां पे हम लोग एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, जिसका काम स्पेसिफिक नहीं है,
लार्ज वॉल्यूम के लिए, कोई भी इसको यूज कर सकता है, जैसे विंडोज है, एंड्रॉयड है, ये सारे क्या है, जनरल पर्पज है। लेकिन अगर हम बात करें कस्टमाइज आप कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही बना है, किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए बना है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल ने बोला कि यार मेरे को चाहिए कि मैं अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन कर सकूं, लाइब्रेरी जो है वो सारी बुक्स इशू करनी है, रिटर्न करनी है, ऑनलाइन हो सके, तो उन्होंने अपना एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। इंडियन रेलवे है, वो कहता है कि यार मेरे को जो है वो सारे लोग जो है वो ऑनलाइन टिकट कर सकें, ये सारा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट कर लिया, दैट इज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो दीज आर ऑल दी कैटेगरीज। इसके अलावा जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आपके माइक्रोवेव में, टीवी में, एसी में, वो सारे क्या होते हैं, उनका काम जो होता है स्पेसिफिक ही होता है, उनको आप जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, वो एक तरह से आप कस्टमाइज के लिए ही कैटेगरी में डाल सकते हो। थैंक यू।